आज से करीब 7 महीने पहले पब्लिक ने बोला था, पठान तो बस एक झांकी है, जवान अभी बाकी है। इस बात को 101% सही साबित कर रहे हैं शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति। इनकी धमाकेदार मूवी सिनेमा घर में अपनी कदम जमा चुकी है। मूवी का क्रेज नेक्स्ट लेवल है। सुबह 6 बजे से ही पब्लिक सिनेमा घर में भीड़ जमा चुकी है। मैंने भी ये मूवी देख ली है, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस आइए बताते हैं। जवान एक कम्प्लीट इंटरटेनमेंट का पैकेज है, जिसमें एक दमदार स्टोरी है, जबरदस्त स्क्रीन प्ले है, कमाल का एक्शन है, अनिरुद्ध का हिला देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है और सबसे कमाल की बात बवाल कास्ट है। बात करें स्टोरी की तो टेंशन ना लो, स्पॉइलर नहीं दूंगा। जवान की कहानी है विक्रम राठौड़ की, जो कि सेना में स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा है। लेकिन यही विक्रम राठौड़ मुंबई के एक मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं और सरकार से अपनी मांगों को मनवाते हैं। इस काम में वो अकेले नहीं है, उनके साथ 6 लड़कियां हैं जो कि इस क्राइम में उनका साथ दे रही हैं। विक्रम राठौड़ के सामने देश के सबसे बड़े आर्म्स डीलरों में से एक काली गायकवाड़ है, जो कि सेना के जवानों को बंदूक देते हैं। काली एक बड़ा बिजनेसमैन है और विक्रम राठौड़ से उसकी पुरानी दुश्मनी है। विक्रम राठौड़ का बेटा जो कि आजाद है, और इन दोनों का किरदार शाहरुख खान ने निभाया है जवान मूवी में। अब इस मूवी में लेडी आर्मी क्यों है, विक्रम राठौड़ दुश्मन क्यों बन गए हैं और इन सभी कांड के बीच आजाद क्या कर रहा है, इन सभी सवालों को जवाब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी करीब करीब 3 घंटे की है, एग्जैक्टली अगर बताए तो 2 घंटे 50 मिनट की है मूवी। लेकिन इतनी लेंथी मूवी होने के बावजूद आपको कहीं भी बोरियत फील नहीं होगी। मूवी के फर्स्ट हाफ में ही स्टोरी को तेजी से बिल्डअप किया गया है, ताकि पब्लिक का सस्पेंस स्टार्टिंग से ही बना रहे। मूवी को कई छोटी छोटी कहानियों में बांटा गया है, जिसके ट्विस्ट और टर्न आपको बोरियत फील नहीं होने देंगे। साथ ही दीपिका पादुकोण और संजय दत्त का सरप्राइजिंग फैक्टर भी देख के मजा आता है मूवी में। अगर आपको जवान में शाहरुख खान का एक्शन पसंद आया होगा तो यकीन मानिए, जवान आपको हिला के रख देगा। जवान के एक्शन सीक्वेंस को इतनी बारीक तरीके से शूट किया गया है कि आपको देख के लगेगा नहीं कि ये कोई बॉलीवुड की मूवी है, एकदम आपको हॉलीवुड की फीलिंग आएगी देख के। क्यों डायरेक्टर एटली को मास सिनेमा का बादशाह कहा जाता है, ये मूवी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। चाहे वो एक्शन सीक्वेंस हो या फिर इमोशनल सीन हो, हर एक सीन को बखूबी तरीके से डायरेक्ट किया है एटली ने। अब इतनी तारीफ की है तो थोड़ा सा निगेटिव भी सुन लो। मूवी में डाले गए कोई भी गाने इम्पैक्टफुल नहीं है, ऐसा एक भी गाना नहीं है जो कि आइकॉनिक बन सके। साथ ही मूवी के कई ऐसे सीन हैं जिसे सही तरीके से इलेबोरेट नहीं किया गया है, जैसे कि इंटरवल से ठीक पहले नयनतारा का एक सीन आता है जिसमें उन्हें गोली लगती है, लेकिन अगले ही सीन में गोली और चोट दोनों ही गायब हो जाते हैं। एक और सीन है क्लाइमैक्स में जिसमें पुलिस अंदर नहीं घुस पाती है, लेकिन अचानक जेल के अंदर कहां से गुंडे प्रकट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। हालांकि ये सब ऐसी बातें हैं जिसे आप गौर करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो वैसे भी इतनी छोटी छोटी बातों को गौर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवी को देखते हैं तब हम फिजिक्स को भी भूल जाते हैं। तो अपनी इंडियन मूवी में इतनी छोटी छोटी गलतियां को नजरअंदाज तो किया ही जा सकता है। फाइनल बात करें तो अगर आपको एक धमाकेदार मास लेवल की इंटरटेनमेंट मूवी देखनी है तो आप जवान को देख सकते हैं पूरे फैमिली के साथ, यकीन मानिए पैसा वसूल हो जाएगा। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 4 स्टार। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।